जय गुरु जी। राजा भैया को बुला रखा है, ठीक कर रहे हैं और फिलहाल अभी तो इससे काम चला रहे हैं, छोटे पराठे से। बाय ओरियो, ओरियो बाय। आइयो आइयो। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्पित मगू व्लॉग विद अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30 और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं सुबह सुबह ही आज तो जल्दी आ गया था डैडी के घर, क्योंकि ना जैसे कल फिजियोथेरेपिस्ट आया था ना डैडी का, तो वो करके गया था कि डैडी की ना डेली रोज सुबह शुगर चेक करनी है और बीपी चेक करना है। तो मैं सुबह सुबह जल्दी आ गया घर पे और यहाँ पे डैडी की सब चीज़ें चेक कर दी हैं। वो एक चार्ट बनाना है उनका, तो वो चार्ट में मतलब आज डेट लिख दिया, पहली डेट, और आज डैडी का हो चुका है स्टार्ट। फिलहाल डैडी को अभी नहला दिया है और डैडी की शेव वगैरह भी सारी कर दी गई, सेट सही हो गया, ज़्यादा होगी थी डैडी रखते नहीं इतनी, मतलब जब ही तो मैं कहा ये तो करा ही लो। फिर वो होगी थोड़ी बहुत मालिश जो बता के गया था वो कर दी। फिलहाल अभी गए हम चाय पी रहे हैं और साथ में फ़ैन, इधर पापा भी आ चुके हैं और हम गए व्लॉग देख रहे हैं सारे, डैडी भी देख रहे हैं साथ में बैठ के, बुआ भी बाहर बैठे हैं। तो बस अभी व्लॉग भी एडिट करना है, फिर अपलोड कर दूंगा, बस ये फिनिश हो जाए व्लॉग, उसके बाद एडिट करके अपलोड कर देते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस इधर सुबह सुबह माहिर भी आ चुका है और ये अब देख रहे हैं इसको, आते ही मैंने व्लॉग डाल रहा था इसका, तो आते ही माहिर फोटो दिखा ले जल्दी से खा ले। तो अभी गाइस मैं घर पे आया था मम्मी को लेने और अन्नू को, तो अभी ये दोनों रेडी हो चुके हैं, अब बस जल्दी से चल रहे हैं हम भी। और ना मैं लैपटॉप साथ लेके आ गया था, इसलिए मैंने सोचा कि ना अब वहाँ पे लैपटॉप की मतलब एडिटिंग शुरू होगी थी, मैंने सोचा अपलोड घर पे आ कर दूंगा। तो घर पे आया तो पता ही नहीं लगा, मतलब पता लगा कि भाई साहब ये तो अपना वाईफाई की स्पीड ही नहीं आ रही है, तो मैं वापस वहाँ लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके अपलोड करूँगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा स्पीड है वाईफाई की, तो वहाँ पे जल्दी से अपलोड कर देंगे और फिर अपना आराम से लैपटॉप को रख देंगे, देख लेंगे वहाँ पे, मतलब टीवी वगैरह देखना होगा टीवी वगैरह देख लेंगे, ये तो लैपटॉप में मूवी पड़ी है वो देख लेंगे जैसे होगा गाइस। अभी तो फिलहाल वही जा रहे हैं, तो आ जाओ जल्दी चले मम्मी आ जाओ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस अभी डैडी घर पहुंच चुके हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया सबने और पता नहीं है पंखा चलते चलते कैसे खराब हो गया, राजा भैया को बुला रखा है, ठीक कर रहे हैं और फिलहाल अभी तो इससे काम चला रहे हैं, छोटे पराठे से। पापा भी पीछे खड़े, पापा ने भी नाश्ता कर लिया, ये कर देते। तो गाइस अभी मैं अपने फ्रेंड के घर आया हूँ ध्रुव के घर, इसकी क्लास चल रही है इधर और वाईफाई पे गाइस अपलोड करने आया हूँ, पता नहीं इधर का वाईफाई चलते चलते बंद हो गया। और इधर ये ओरियो, ओरियो ये गाइस अपनी कैल्शियम वाली बोन खा रहा है। तो गाइस व्लॉग तो अपलोड हो गया, आप जब तक ये वीडियो आएगी आप वो वाला व्लॉग देख चुके होगे, अगर नहीं देखा हो तो जाके देख आना। तो बाय ओरियो, ओरियो बाय बाय, आ जा आइयो आइयो आ जा आ जा, कहाँ अच्छा जा रहा हूँ मैं, बाय चल आ जा, अच्छा बाय चल बाय। आपने देखा होगा अभी बुआ ना, इनको पता नहीं था कि मैं वीडियो बनाया, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये अपना आराम से बैठे गाने गाए जा रहे थे, इधर मम्मा पीछे बैठे हुए हैं, तो इनको भी पता है मैं वीडियो मतलब व्लॉग के लिए बना रहा हूँ, व्लॉग में डाल दियो व्लॉग में डाल दियो, पीछे बोल देते हैं एक मिनट में, वो वीडियो सारी मतलब वो चली जाती है एक तरह से, बट कोई नहीं डाल, अगर डालने के लिए बना रहा था मैं, इनको तो पता ही नहीं है, देखो आराम से बैठ के इधर आ गए। एक गाना और तो सुना दो, एक गाना और सुना दो कोई बढ़िया सा। गाइस ये बुआ बहुत हंसाते हैं, एक तो ये पापा पीछे बैठ के ना, ये सारे, ये मेरी दूसरी बुआ है, वो वाली भी दूसरी, ये पापा की बुआ हैं तीनों, और वो देखो सारे गाइस वहाँ पे ना ये बैठ के अभी हम वो देख रहे हैं लैपटॉप पे, पापा मम्मी की शादी की
वीडियो क्योंकि मैंने लैपटॉप में डाल रखी है ना सारी, अभी तो हम भी देख ही रहे हैं बैठ के। तो गाइस एक गाना और सुना रही है बुआ, देखो गाइस बता देना बुआ गाना कैसा लगा, बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक भी करके जाना ठीक है। और देखो गाइस एक तो मम्मी ना चाय बना रही सबके लिए और एवर उठाना मम्मी पत्ती का डब्बा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गाइस गिर जाएगा हम उठा देते हैं, मेरा कसूर है अभी, क्या हो गया। और गाइस मम्मी एक चीज और, मम्मी से वो डब्बा तो उठा नहीं, जल्दी जल्दी मैंने बोला कोई सब्जी बना रही हूँ, चाय में नमक नमक डालने लगे थे, नमक अभी वापस रखा है, जस्ट चीनी की जगह नमक डाल रहे थे है ना। डैडी अंदर सोए पड़े हैं, उठे हुए हैं, क्या कर रहे हो? कोई नहीं लेट जाओ लेट जाओ, वो बस उठते रहते हैं और लेटते रहते हैं। तो गाइज अभी शाम के 6 बज चुकी है और गाइज आज ना हमारे गुरुजी का सत्संग था तो अभी मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। और गाइज अभी फिलहाल ना जिस तरह सत्संग है आगे हमारे यहाँ पे नूर गार्डन है, वहाँ पे यहाँ पे जिस तरह गुरुजी का मंथली एनुअल सत्संग होता है एक वहाँ पे, तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं पीछे सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं पार्किंग यहाँ पे और गार्डन दूसरे गार्डन में है और दूसरे गार्डन में पार्किंग चल रही है। फिलहाल शटल सेवा नहीं होती जिस तरह, तो उस तरह शटल सेवा में क्या होता है पार्किंग में यहाँ पे लगा जो आपको इतनी दूर पैदल नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे गुरुजी की संगत ने ही गाड़ी अपनी लगा रखी होती है, उन गाड़ी में बैठ जाओ और वही आपको वहाँ पे ले जाएंगे अपने आप। तो फिलहाल अभी देखते हैं हम कौन सी गाड़ी में जाना है, आ जाओ तो इसी गाड़ी में ही जाना है। पहुंच चुका हूँ नूर गार्डन, फिलहाल आप देख सकते हैं रोहतक में और हम इस गाड़ी में आए थे सारे लगभग, और ये अंदर चले गए हैं और गाइस यहाँ से सारी एंट्री हो जाएगी स्टार्ट, अभी हम भी अंदर जाएंगे, यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं। देखो गाइस कोई सारे रूल्स रेगुलेशन का पालन करते हैं यहाँ पे, कोई भी लाइन से बाहर नहीं जा रहा, आप देख सकते हैं ये सेवादार खड़े हैं सारे यहाँ पे, आप देख सकते हैं लगभग मम्मा पहले अंदर चले गए थे। एक मिनट गाइस आप पीछे देख सकते हैं गुरुजी की शब्द वाणी चल रही है, तो अब यहाँ पे कुछ और रिकॉर्ड कर नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है ना, गुरुजी भी मना करते हैं, मतलब यहाँ पे मना करते हैं तो हमें भी मानना पड़ेगा गाइस, तो मैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ। बट फिलहाल आप देख सकते हैं मम्मी आगे खड़ी हैं तो हम भी बस अंदर जा रहे हैं, आप सीधे खत्म होने के बाद ही मिलूंगा या बीच में रिकॉर्ड करवाया तो कर लूँगा ठीक है गाइस।
गाइस अभी सत्संग खत्म हो चुका है और आपने देखा हो कितना प्यारा गुरुजी का दरबार सजा हुआ था, कितना प्यारा वहाँ पे कितनी ज़्यादा लोग आए हुए थे। और गाइस एक चीज़, हाँ, जिनके पास मास्क नहीं था उनको मास्क दिए गए हैं और सभी को क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस थी कोरोना के कारण, जो भी मास्क सबको वैलिड करना था। बट गाइस बहुत मज़ा आया अंदर, बहुत इतना स्वाद लंगर प्रसाद हमने खाया। बट फिलहाल अभी गाइस जब मैं एक्टिवा खड़ी करके आया था ना, जो शटल सेवा होती है गुरुजी में, जिससे हमको गाड़ी से ही वहीं पे ले जाया जाता है और गाड़ी से ही हमको यहीं पे ड्रॉप किया जाता है। तो अभी मेरी एक्टिवा वहाँ खड़ी है, मैं गाड़ी में बैठ के जाऊँगा, वहाँ से एक्टिवा उठा के लाऊँगा, फिर मम्मा जी को ले जाऊँगा घर पर। तो हम गाइस जैसे भी लेट हो चुके हैं, काफ़ी 9 बज चुकी है, तो अभी पापा और भी सारे घर पर वेट कर रहे होंगे। हम यहाँ पे आ गए थे 6 o'clock के आसपास, क्योंकि सत्संग तो 5 to 7 था, बट हम फिर भी 1 घंटा लेट आए थे। बट बहुत मज़ा आया गाइस, और इतना सुंदर दरबार गाइस, बहुत अच्छा लगा। आप भी बताना आपको कमेंट में गुरुजी का दरबार कैसा लगा, ठीक है गाइस। ये खड़ी हमारी एक्टिवा, अब जल्दी से इसको लेके चलते हैं। A few moments later. तो अभी गाइस हम घर पे आ चुके हैं और गाइस हम सत्संग से डायरेक्ट डैडी घर गए थे। बट डैडी घर ना गाइस यूं था कि हम वहाँ पे मेरा ना फोन में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि गाइस फोन में चार्जिंग ही नहीं थी, चार्जिंग बिल्कुल लो हो गई फोन को। एरोप्लेन मोड पे तो कम से कम मैंने 2% पे एरोप्लेन मोड लगाया और बैटरी सेवर, हालांकि मेरे को 10% पे लगाना चाहिए था, बट जो भी हुआ गाइस वीडियो बनी नहीं। तो मैं अब घर पे आया, फोन को चार्जिंग पे लगाया, अभी भी फुल नहीं हुई है, मतलब एंडिंग के लिए तो हो ही जाएगी, इतनी तो आई। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग भी बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाना, शेयर करते जाना, कमेंट करते जाना, और मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।